इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल की कंपनी रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और अगर देखें तो इसका कारोबार मलेशिया, बांग्लादेश, यूके समेत कई देशों में है। अब तक कंपनी देश भर में 300 से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुकी है। आगे किस तरीके का आउटलुक है, अगर हम चौथे तिमाही की बात करें तो मुनाफा 80% बढ़ा है, कामकाजी और आय में भी मुनाफे में भी हमने देखा यहाँ पर उछाल आया है। आउटलुक क्या रहेगा कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह गुड आफ्टरनून, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स हाल ही में जो आए थे उस पर एक बार मैं आपसे डिटेल लेना चाहूंगी। 100% ग्रोथ है आपकी एबिटा अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, क्या ये लो बेस इफेक्ट है सर या वाकई प्रदर्शन अब स्ट्रांग है और यही अब ट्रेंड आगे भी चलेगा? नमस्कार स्वाति जी, थैंक यू फॉर हमें बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इरकॉन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छी गति से पिछले 5 सालों में प्रोग्रेस हुई है। 2016 में अगर हम देखें तो हमारा टर्नओवर 2400 करोड़ था और पैंडेमिक के बावजूद 2021 में हमारा प्रोग्रेस, हमारा टर्नओवर जो है 5200 करोड़ का हो गया है। और अगले सालों में, मतलब अगले एक साल में और फाइनेंशियल ईयर 21-22 हमारा लक्ष्य है कि 6,500 से 7,000 के बीच में हम टर्नओवर करें, और इसमें हमें पूरी आशा है कि हम सफल होंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जो पेस है, जो गति है, वो काफी अच्छी है और इसमें लगातार वृद्धि होते जा रही है पिछले 5 सालों में। रही बात जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम अदर इनकम को मिला करके देखते हैं तो 14% का हम एबिटा मार्जिन देते हैं, और सिर्फ कोर बिजनेस अगर लें, अगर अदर इनकम हटा दें, फिर भी हम 9% के लगभग में प्रॉफिट देते हैं। तो इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मुकाबले में अगर देखा जाए ये काफी अच्छे अंक हैं, और इन अंकों से लोगों में एक अच्छी भावना आई है इरकॉन के लिए, और बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा हम डिविडेंड अच्छी देते रहे हैं। लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आधा पोर्शन हम इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में दे देते हैं। तो कुल मिला करके इट्स अ ब्राइट आउटलुक, और लोगों को मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि एक बड़ी अच्छी कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है और उन्हें खुश होना चाहिए। ओके श्योर सर, तो आपसे आश्वासन आ रहा है, ये बड़ी बात है, और आप कह रहे हैं कि आगे भी अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, आउटलुक ब्राइट है जैसा आप बता रहे हैं। थोड़ा सा मुझे सर नंबर्स अगर आप क्वांटिफाई कर पाए, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू फ्रंट में कितना टारगेट रखा है, FY21 की गाइडेंस क्या होगी जो आपने सेट की है, मिनिमम कितना रीच कर सकते हैं, ऑल्सो करंट ऑर्डर बुक पर भी सर मैं जानना चाहूंगी क्या है, टोटल ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, क्या स्प्लिट है बिटवीन रेलवेज एंड हाईवे। मैं आपके प्रश्न के अंतिम भाग को पहले लूंगा कि ऑर्डर बुक के साइज की बात है, तो ऑर्डर बुक आज के तारीख में 35,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमारे पास है। 31/3/2021 को जब हमने शुरू किया था तो 34,600 करोड़ था, 600 करोड़ का और नया काम अभी हमने लिया है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, कुल मिला के 35,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है हमारे पास। इस साल में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 6,500 से 7,000 के बीच का टर्नओवर करें, इतने का वर्क एग्जीक्यूट करें, और ये भी लक्ष्य है कि ऑर्डर बुक में और इजाफा हो, और ऑर्डर बुक में हमारा ये एम है कि ये 36,000 से बढ़ करके कम से कम 41,000 हो जाए, 5 से 6,000 के करोड़ के बीच में हम ऑर्डर बुक में ऐड करना चाहेंगे करंट ईयर में। और हमारे पास डेफिनेट प्लान है कि हम किस तरह से 5 से 6,000 करोड़ के बीच में नया काम लेंगे, और ये आपको जानकर खुशी होगी कि पैंडेमिक के बावजूद 2021 में हमने 4,100 करोड़ का नया ऑर्डर अर्जित किया, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे, 60 करोड़ छोड़ के बाकी सारा कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे हमने लिया है, और हमें उम्मीद है कि ये ऑर्डर बुक में इजाफा का जो अभी ट्रेंड है वो चलता रहेगा, और हम एग्जीक्यूशन के पेस को भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एबिटा जो है हमारा पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, और हम इस ट्रेंड को बरकरार रखें। ओके श्योर सर, ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, बट आपने जो दो बड़े नंबर्स कहे उन पे मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा न्यू ऑर्डर्स 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए के और आप एकत्रित करेंगे, 35,000 करोड़ रुपए की तो ऑर्डर बुक करंटली है,
और रेवेन्यू पे भी जो आपने बात की टर्नओवर में, वहां पर भी आप 5-6 हजार करोड़ रुपए की ग्रोथ यहाँ एंटिसिपेट कर रहे हैं इस साल के लिए। जब ऑर्डर्स की आपने बात की सर, उसी से जुड़ा सवाल, कहाँ से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या सेगमेंट्स आपको ज्यादा ऑर्डर्स देंगे? 5-6 हजार करोड़ रुपए का जो स्प्लिट है या ब्रेकअप है आप बता सकते हैं सर? जरूर जरूर। आप देखिए कि हम लोगों का मुख्य काम रेलवे सेक्टर में है, 85% ऑफ आवर बिजनेस रेलवे सेक्टर में ही रहता है, और उसके अनुरूप ही हमारा पिछले साल भी जो ऑर्डर बुक आया उसमें भी करीब 90% रेलवे का ही इजाफा था। इस फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में एक प्रोजेक्ट हम लोगों का चल रहा है सेवक रांगपो, उसमें एडिशनल वर्क करीब 4,000 करोड़ के आने की संभावना है, जो कि रेलवे बोर्ड में अभी हमारा प्रस्ताव चला गया है, तो उससे हम करीब 4,000 करोड़ का इजाफा उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर पावर में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि CPSEs के लिए इरिडा ने टेंडर्स निकाले हैं, तो हम लोग करीब 2300-2400 करोड़ का ऑर्डर बुक वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 4000 और 2300 करीब 6000 बताया, 6000 के लगभग तो दो काम से ही है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया करंट ईयर में 650 करोड़ का एक ऑलरेडी हम लोगों को ऑर्डर मिल चुका है, तो 5000 से 6000 करोड़ के बीच में जो इजाफा मैंने बताया है ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। तो उस सेंस में हम अपने आप में काफी कॉन्फिडेंट हैं कि ऑर्डर्स हम ऐड करेंगे और एग्जीक्यूशन पेस भी बढ़ाएंगे। जैसा कि 5200 करोड़ का आपने देखा पिछले साल हमने काम किया, इस बार हमारा इरादा है कि 6500 से 7000 करोड़ के बीच में काम करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये विन विन सिचुएशन है सारे इन्वेस्टर्स के लिए एंड सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। ओके फेयर इनफ सर। सो नए ऑर्डर का ब्रेकअप भी समझ में आया, तो मिनिमम आप कंजर्वेटिव फिगर दे रहे हैं, इससे बेहतर ही शायद प्रदर्शन यहाँ हमें दिखे पूरे साल के लिए। ऑर्डर बुक की बात करें सर, पेंडिंग क्लेम्स कितने हैं इस वक्त कंपनी के, उनको कैसे सेटल कर रहे हैं, NHAI के ऊपर कितना एक्सपोजर है, किस तरीके की नेगोशिएशंस है, क्या कोई वो सिग्निफिकेंट नंबर है और जिसका कुछ बकाया आपको इस बार मिलने की उम्मीद है? जी, जैसा आपको अंदाजा है कि हमारे क्लाइंट सारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का ही बोलबाला होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए या रेल रिलेटेड वर्क के लिए हम 85% ऑफ द वर्क के लिए करते हैं। रेलवे के साथ हमारा कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है, वो बहुत अच्छे पे मास्टर्स हैं, हमारे पैसे आते रहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, जो मुझे प्राप्त होना है अपने क्लाइंट से, उसकी साइज बहुत छोटी होती है। हाँ, कुछ डिस्प्यूट्स हमारे NHAI के साथ हैं, बट हमारे 4-5 रोड प्रोजेक्ट ही हैं, तो जो चल रहे हैं उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि हमने आर्बिट्रेशन इन्वोक किया है, और उसके लिए एक कंसिलिएशन का मेथड NHAI ने नया निकाला है, उसके तहत 2 केस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और उन दोनों से एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन के तहत एक अच्छा हमने सॉल्यूशन निकाला है, और उसमें सेटलमेंट हो भी गया है हमारा। उसकी वजह से हमें 2 प्रोजेक्ट में अच्छे क्लेम्स भी मिल गए हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमने काम किया है उसका पैसा तो मिला ही। तो क्लेम के मामले में हमारा साइज बहुत ही छोटा रहता है, इवन दो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसके बावजूद ना तो हमारी लेनदारी बहुत बड़ी रहती है और ना कोई ऐसा क्लेम का मामला रहता है जो कि हमें परेशानी करे। सर, इकॉन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ओन कंपनी है, हम जानते हैं, किस तरीके की डिस्कशंस है सर? स्टेक सेल की बात हुई थी, गवर्नमेंट 16% स्टेक बेच रही है इकॉन में, करीब 660 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है, क्या अपडेट्स है सर उस पर, और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बातचीत हो रही है सर इसके ओवर एंड अबव दिस? अभी 73% स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 27% का डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है, दो खेप में हो चुका है, और अभी इस साल करंट ईयर में डिसइन्वेस्टमेंट का अभी कोई प्लान नहीं है, ना इसके बारे में कोई चर्चा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई बात हम लोगों से नहीं की है, ना हम लोगों को कोई इसके बारे में खबर है, तो फिलहाल इस साल तो मुझे कम चांस दिखता है कि कोई डिसइन्वेस्टमेंट आए। ओके, और सर जो गवर्नमेंट OFS करना चाहती है फर्दर 16%, ये आप कह रहे हैं इस साल शायद ना हो? जी, जैसा मैंने बताया कि पहले खेप में 11% का किया था डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरे में 15% किया, तो
26 हो चुका है, मतलब 73 समथिंग का गवर्नमेंट के पास रह गया है, बाकी 26.5 के लगभग ऑलरेडी कर चुके हैं, सरकार ने डिस इन्वेस्ट कर दिया है। इस साल और कोई करने की अभी संभावना नहीं है, ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी दी गई। प्रॉब्लम सर, एक फाइनल सवाल सर, डोमेस्टिक ऑर्डर बुक की तो हमने बात की और बिजनेस की, इंटरनेशनल क्योंकि आपकी प्रेजेंस है वहां पर, किस तरह से सिचुएशन पैन आउट हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से शायद थोड़ा बिजनेस में रुकावट हुई होगी, बट अब स्लोली एज वी आर ओपनिंग अप, इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या आउटलुक है? इंटरनेशनल बिजनेस पिछले 1-1.5 सालों से चूंकि आवागमन ही बंद है, उसकी वजह से हमारे प्रयासों में भी बहुत ज्यादा वो तेजी नहीं देखी गई है, हम लोग नहीं कर पाए हैं इसको तेज। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में अब तो हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के आदि हो चुके हैं, तो भैया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मलेशिया में कुछ और काम मिले, इसके बारे में बातचीत जारी है, अभी कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन हमें काफी आशा है कि कुछ वहां से काम मिल सकता है हमें, अगर चीजें ठीक ठाक चलती रही तो। लेकिन अभी कुछ डेफिनेट जानकारी इसके बारे में नहीं दे पाएंगे हम। बाकी और जगहों में भी हम लोग कोई कोशिश जारी है, बांग्लादेश में 2-3 कामों पे हमारी नजर है, उन कामों पे रोड का है एंड रेल का है, दोनों तीनों काम पे हम लोग अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, उसकी वजह से हो सकता है हमें वहां सफलता भी मिले। उसी तरह से श्रीलंका में जहाँ की हमारा एक काम ऑलरेडी चल रहा है रेल का, उसके बारे में भी हमें इनफॉर्मल डिस्कशंस हमारी जारी है रोड सेक्टर में एंड रेल सेक्टर में। तो कुल मिला के ये 3-4 देशों जिसका नाम मैंने लिया है, उसमें से कुछ ना कुछ सफलता आने की संभावना है, तो वो 6,000 करोड़ के ऑर्डर बुक से एडिशनल होगा, वो आगे और होगा। तो इस तरह से ये करंट ईयर में हमारी जो आउटलुक है वो ऑर्डर बुक में ग्रोथ का, वो काफी पॉजिटिव है और हम लोग काफी अपबीट हैं इसके। राइट सर, कंजर्वेटिव फिगर्स दे रहे हैं अभी, इसमें इंटरनेशनल ऑर्डर बुक तो जोड़ी नहीं, कई देशों से एक बातचीत चल रही है कई प्रोजेक्ट्स पर, वो भी देखना होगा कैसे पैन आउट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए।